Assalamualaikum everyone, this is Bilal from Video Valley Sarkar. Welcome to the 30th episode of VWS Extra. हम 30 episodes जो हैं वो complete कर चुके हैं और इस point के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि hopefully आप लोगों को ये जो show है पसंद आ रहा होगा. इसको बनाने का मकसद ये रहा है कि मैं यहाँ पर आपको न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ज़रा कट शॉर्ट कर दें, आप इसको छोटी वीडियो की फॉर्मेट में क्यों नहीं लेकर. लेकिन उसके लिए हमने अलग से एक चैनल भी रखा हुआ है जिसपे आपको क्लिप्स भी मिल जाते हैं और हम वैसे भी टाइम्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं. और अगर मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा तो फिर इट वॉन्ट मेक एनी सेंस कि मैं इसको एक सेपरेट चैनल पे कर रहा हूँ. मैंने ये सेपरेट चैनल बनाया ही इसलिए है कि यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो है मैं अपलोड कर सकूँ और यही वजह है कि ये जो वीडियोस हैं ये इतनी लंबी लेंथ में आ रही हैं. और यही वजह है कि अगर आप सजेशन दे भी रहे हैं तो हम इसको लंबाई रख रहे हैं. हमारी कोशिश होती है ना कि उस दिन की सारी खबरें हम इसमें कवर करें. एग्जैक्टली. अच्छा, पहली खबर जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है वो Xiaomi की तरफ से आ रही है जहाँ पर Xiaomi की Mi Mix सीरीज जो कि Xiaomi की मैं ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट सीरीज रही है शुरू से. बिल्कुल. ये पहली बार जब आए थे तो इसके अंदर बेजलेस डिजाइन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और Xiaomi की तरफ से जब भी कोई ऐसी चीज होनी होती है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक कंपनी करेगी तो वो Xiaomi अपनी Mi Mix सीरीज में करती है. ये उनकी हेलो सीरीज भी आप कह सकते हो या आप उनकी कॉन्सेप्ट सीरीज भी कह सकते हो. और इस बार खबर ये आ रही है कि Mi Mix सीरीज दोबारा वापस आ रही है और 29 मार्च को ये सीरीज जो है वापस आएगी ऑफिशियली. और यहाँ पर इस बार जो मेन चीज जो है वो आएगी वो ये है कि यहाँ पर लिक्विड लेंस होने वाला है. अब लिक्विड लेंस क्या है भाई ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि बेसिकली नॉर्मली आपके मोबाइल फोन्स के जो लेंसेज होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पर आपके लेंस के अंदर एक लिक्विड मौजूद होगा जो कि एक ऑप्टिकल लिक्विड होगा. ह्यूमन आई की तरह होगा. हाँ, ये ऑप्टिकल लिक्विड का मतलब ये है कि ये ऐसा लिक्विड होगा जिसको आप कैमरे के साथ यूज कर सकते हो, कैमरा सेंसर के साथ. ओके. और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल होगा. अब देखते हैं कि इससे हमें क्या ज्यादा फर्क मिलेगा, क्या इससे हमें फोकल लेंथ का फर्क मिलेगा, क्या इससे हमें फोकस का मिलेगा. और ये चीज जो हमारे सामने आएगी उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये क्विकली चेंज करता है फोकल लेंथ को ना. एग्जैक्टली. वो तो यही कह रहे हैं कि ये फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करेगा. अब इससे पहले जब भी अगर आप किसी मोबाइल फोन में जूम देखते हैं तो वो लेंसेज चेंज हो रहे होते हैं. बिल्कुल. आप फोकल लेंथ वैसे चेंज नहीं कर रहे होते. आपके मोबाइल फोन में एक लेंस लगा होता है जो नॉर्मल फोकल लेंथ में होता है, एक होता है जो जरा ज्यादा फोकल लेंथ में होता है. यहाँ पर एक ही लेंस होगा लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो रही होगी. देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह काम करेगा. एक नया कॉन्सेप्ट है, जब तक सामने नहीं आएगा हम इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार लग रहा है. ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो एप्पल की तरफ से आ रही है जहां पर सपोजिटली एप्पल अपनी एप्पल वॉच के डिजाइन को मुकम्मल तौर पर चेंज करने के बारे में सोच रहा है और एक पेटेंट सामने आया है जहां पर एप्पल एक नई वॉच के ऊपर काम करता हुआ नजर आता है. और ये जो वॉच है इंटरेस्टिंगली ये एक रैप अराउंड डिस्प्ले के साथ आएगी, जिसका मतलब ये है कि घड़ी के जो ऊपर वाला डिस्प्ले है वो तो डिस्प्ले होगा ही, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द आपका स्ट्रैप है बेसिकली ये भी डिजिटल ही होगा. एग्जैक्टली. उसके ऊपर भी डिजिटल डिस्प्ले दिया जाएगा और ये एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होगा. ओके. फ्लेक्सिबल डिस्प्ले. हाँ, इस तरह की घड़ी हम एक पहले भी देख चुके हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर की तरफ से जहां पर आपको फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाली घड़ी मिली है. लेकिन एप्पल अगर इसको करेगा तो ऑब्वियसली वो जरा बेहतर तरीके से होगा और एप्पल अगर इसको करेगा तो वो ज्यादा लोगों तक भी पहुंचेगी. तो आई बिलीव कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है. लेकिन अगर आप एप्पल की स्पीड की बात करते हो तो एप्पल के पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. हो सकता है कि ये पेटेंट एप्पल रखवाए और उसके बाद कभी यूज ही ना हो, तो ऐसा भी एप्पल के केसेस में होता रहा है. ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो Realme की तरफ से आ रही है जहां पर Realme GT का एक नया वर्जन जिसका नाम Realme GT Neo Final Fantasy होने वाला है वो GT भी अभी कुछ टाइम पहले ही आया था. ये GT भी कुछ टाइम पहले ही आया था. अब खबर आ रही है कि 31st को GT Neo के नाम से एक डिवाइस लॉन्च होगी और ये भी एक फ्लैगशिप लेवल का फोन होने वाला है. यहाँ पर भी आपको 120Hz का डिस्प्ले मिलेगा. जो बेसिक फर्क बताया जा रहा है वो ये है कि इस फोन के अंदर मीडियाटेक का चिपसेट होने वाला है. जबकि उस साइड पर हमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिला था. उसके अलावा चार्जिंग 65W इसमें 65W की चार्जिंग है, उसमें भी 65W ही थी. तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही रखा गया है. उसके अलावा एक और चीज जो कि काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस फोन के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये मल्टीपल मार्केट्स के अंदर लॉन्च हो सकता है. Realme GT जो था वो चाइना एक्सक्लूसिव डिवाइस थी, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी लॉन्च नहीं हुआ. तो सिर्फ चाइना में आया था. इस फोन के बारे में कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया में आ सकता है. उसकी रीजन ये है कि स्नैपड्रैगन जो 888 है वो इस टाइम पर बहुत शॉर्ट है.
काफी ब्रांड्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के अंदर फ्लैगशिप फोन्स के अंदर 888 को यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसकी शॉर्टेज है। हमने वीवो की तरफ से भी देखा कि स्नैपड्रैगन 870 का बहुत यूज किया गया है जबकि 888 जो था 888 एक टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हुआ है ना। नहीं 888 का गेम ये है कि 888 जिस टाइम पे लॉन्च हुआ है ना उस पॉइंट पर ओवरऑल ये चिप शॉर्टेज चली हुई है और 888 क्योंकि टॉप एंड चिपसेट है तो हर कंपनी चाहती है कि उनके फोन के अंदर हो क्योंकि ये बताते हुए अच्छा लगता है तो वो गेम है। लेकिन GT Neo जो है वो खूबसूरत बड़ा लग रहा है और इसकी एक नया कलर आ रहा है फाइनल फैंटेसी एडिशन जो कि बड़ा मजेदार कलर होने वाला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरी पूरी कोशिश है कि GT Neo जो है वो आपको इंशाल्लाह लॉन्च डे के ऊपर ही देखने को मिल जाए तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट और होपफुली मैं कर भी पाऊंगा। ओके नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो इलॉन मस्क की तरफ से आ रही है, असद के फेवरेट इलॉन मस्क। और खबर भी मैं ही दे देता हूँ, खबर आप दे दें। इलॉन मस्क का अब कह रहे हैं कि हमारी कंपनी की जो गाड़ियां हैं लोग अब बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकेंगे। ये तो खबर पहले भी हमें आई थी कि इस पे काम कर रही है टेस्ला, लेकिन उस टाइम पे पूछा गया था कि ऐसा करना चाहिए, अब ये कंफर्म हो चुकी है। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिटकॉइन के थ्रू जब आप बात करते हो कि टेस्ला कह रही है कि गाड़ी परचेज कर लो तो टेस्ला ये नहीं कर रही कि टेस्ला ये करे कि आपने बिटकॉइन टेस्ला को पे किया टेस्ला वो बिटकॉइन बेच के पैसे ले लें। टेस्ला ये कह रही है कि अगर आप बिटकॉइन के थ्रू गाड़ी खरीदोगे तो टेस्ला वो जो बिटकॉइंस हैं उनको बिटकॉइन में ही रखेगी। ओके बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन एज एन एसेट रखेंगी, ये नहीं है कि बिटकॉइन को किसी करेंसी एक्सचेंज से गुजारकर उस पॉइंट पर जो है वो मूव कर लिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। टेस्ला ने ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे बिटकॉइन के अंदर और अब लेकिन अभी ये यूएस के अंदर ही होगा। ऑब्वियसली ये यूएस के अंदर ही होगा, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हो रहा असल भाई, नहीं लेकिन उसके बाहर ये बाकी मुल्कों में होगा इस साल के एंड पे। हाँ अगर होपफुली होगा क्योंकि टेस्ला जिन जिन मुल्कों में अवेलेबल है वहां तो ये फैसिलिटी आएगी। ओके भाई तो क्वालकम जो कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाती है सपोजिटली वो भी एक गेमिंग कंसोल बनाना चाह रही है। इस पॉइंट पर आई थिंक हर कंपनी का दिल है कि किसी तरह से गेमिंग कंसोल बना लिया जाए। हमें हुआवे की तरफ से भी खबर आई थी। अब क्वालकम जो है वो निंटेंडो स्विच टाइप का एक गेमिंग कंसोल बनाना चाह रही है जो कि एक हैंडहेल्ड कंसोल होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ फुल फ्लेज टीवी बेस्ड कंसोल होगा। निंटेंडो स्विच टाइप का जो हैंडहेल्ड कंसोल होता है या किसी टाइम पे प्लेस्टेशन में पीएसपी आती होती थी मेरे ज़हन में, पीएसपी आया करती थी, पैसे नहीं होते थे तो तूने भी नहीं खरीदी ना, तेरे पास भी पैसे नहीं, मैंने बाइट से मिली थी, तेरे पास पैसे थे, मेरे पास मैंने खुद नहीं खरीदी थी, किसी ने दी थी। अच्छा भाई अपने पास पैसे नहीं थे पीएसपी वाले टाइम में, हमने कभी नहीं खरीदी लेकिन उसके बाद पीएसपी नहीं रही, अब हम ले सकते प्लेस्टेशन 5 ले लिया, अब प्लेस्टेशन 5 ले लिया। हाँ वो तो है। अच्छा खैर क्वालकम जो है वो प्लान कर रही है कि वो एक गेमिंग कंसोल बनाए और क्वालकम के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो ये है कि ये पावर वाली साइड से काफी पावरफुल जो कंसोल है वो बना सकते हैं क्योंकि ये बजाते खुद एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और उसके अलावा एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि ये कंसोल जो है ये काफी हद तक एक पोर्टेबल मोबाइल फोन टाइप का ही डिवाइस होगी, तो यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी और वो चीजें जो क्वालकम ने ऑलरेडी मोबाइल फोन के लिए बेहतर बनाई हुई है उन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए ये गेमिंग कंसोल भी बना सकते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर क्विक चार्जिंग भी आ जाए, इसके अंदर हमें शायद कोई एंड्रॉइड का ही वर्जन देखने को मिल जाए जिसके अंदर हमें गेम्स जो है उनकी फैसिलिटी मिल रही हो। तो अभी इस चीज के ऊपर ऑफिशियली कोई बात नहीं की गई लेकिन जब होगी तो हम आपको बताएंगे। एंड्रॉइड गेमिंग्स के लिए ये कंसोल सेंस बनता है इस टाइम पे क्योंकि मोबाइल्स में अब बहुत हैवी गेमिंग होने लग गई है अगर एंड्रॉइड गेमिंग की बात करें। सही कह रहे हो लेकिन देन अगेन डिपेंड करेगा कि किस प्राइस टैग में ये लॉन्च होता है और ये भी हो सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली एक गेमिंग कंसोल जो होता है ना उसमें कुछ चीजें फंडामेंटली चेंज होती हैं। अगर ये एंड्रॉइड गेमिंग कंसोल होगा भी ना तो ये उस तरह का नहीं होगा कि आपको एंड्रॉइड का मेन्यू मिल रहा हो, ये देखने में चलाने में आपको फील नहीं होगा कि ये एंड्रॉइड है। और गेमिंग कंसोल की सक्सेस ही यहाँ से होती है कि वो बस आप ऑन करो और वो चल जाए ना। मोबाइल फोन्स में जब आप गेम डाउनलोड करते हो कभी वो अपडेट हो रही है कभी वो कुछ हो रही है, ये कंसोल का मेन काम ही ये है कि जब आपने गेम इंस्टॉल करके ओके किया ना तो वो चल जाए। यही फर्क है पीसी गेमर्स में और अगर आप कंसोल गेमर्स की बात करते हो, जब आप पीसी पे गेमिंग कर रहे होते हो तो जो मर्जी आप कर लो जितना मर्जी महंगा पीसी बना लो मसले आते लेकिन उसने वो एक टाइम लेकिन कंसोल में मसले नहीं आते, तो वही चीज जो है वो इसमें भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके अगर मैं ये कहूँ ना कि फेसबुक का बस नहीं चलता वरना वो मरे हुए लोगों के लिए भी एक सोशल मीडिया बना दे तो गलत नहीं होगा। और रिसेंटली फेसबुक एक नई ऐप बनाने के बारे में सोच रही है जिसका नाम होने वाला है री-एंट्री ऐप। अब ये जो ऐप है ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई जाएगी जो कि काफी टाइम से जेल में मौजूद थे
और अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनको ये री एंट्री आप दी जाएगी ताकि वो अपने इर्द गिर्द की जो सोशल लाइफ है उससे बेहतर तरीके से वाकिफ हो सके, सोसाइटी में वापस आ सके। आइडिया बड़ा मजेदार है, लेकिन फेसबुक का जहां तक सवाल है, फेसबुक एक ऐसी कंपनी रही है कि उनके इनिशिएटिव जब भी रहे हैं वो प्राइवेसी को बहुत ब्रीच करते रहे हैं, और यही वजह है कि मैं स्केप्टिकल हूं कि इससे भी फेसबुक का कहां पर बैकएंड पे फायदा तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि फेसबुक बगैर फायदे के कोई काम नहीं करती। और फेसबुक जितना मर्जी देखा जाए इसमें भी डाटा ही कलेक्ट होगा, जो बंदा आके री एंट्री मारता तो वो प्रिजनर डाटा जो है वो बाद में कहीं पे भी बेचा जा सकता है। और यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएस के अंदर प्रिजनर्स जो जेल में मौजूद होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैंड है, विच मींस कि अगर आप जेल में मौजूद हो तो आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, आपका सोशल मीडिया अकाउंट ऑफिशियली बैन होता है। तो ये जो री एंट्री ऐप है किसी हद तक वो लोग जो के अभी प्रोबेशन पे हैं या इस तरह का कोई सिनेरियो है वो भी एक ये हो भी वहीं पे सकता है, यहाँ लोगों के अकाउंट ही इतने हैं किस किस नाम से करेंगे, यहाँ पे कौन किसी को फर्क पता लगना है, यहाँ पे तो कुछ डिजिटल नहीं है ना, वहाँ पे सब कुछ डिजिटल है तो पता लग जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है ये एप्पल की तरफ से आ रही है, जहां पर एप्पल ने आज iOS 14.5 का बीटा 5 जो है वो रिलीज किया है, और इस बीटा के अंदर एप्पल A14X के नाम से जो रूमर चिप है उसकी कुछ डिटेल सामने आई है। अब मजेदार बात यह है कि ये जो चिप है इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि iPad Pro का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये चिप आएगी, और अब तक के जो रूमर्स है और जो अब लेटेस्ट रूमर्स भी आए हैं उनके मुताबिक ये एग्जैक्टली वही चिप होगी जो कि M1 के नाम से हमें कंप्यूटर देखने को मिली है। और यहाँ पर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो चिप है ये काफी हद तक इस चीज को भी डिफाइन करेगी कि नेक्स्ट आने वाले जो आईफोन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इसी के करीब करीब पर हो। तो एप्पल अब ये कर रहा है कि वो एक चिप बना रहा है, कुछ टाइम के लिए वो अपने कंप्यूटर्स में लगाएगा, उसको यूज करेगा, उसको एफिशिएंट बनाएगा, थोड़ा सा जगह कम लेगा, आईपैड में लगा देगा, उसको और छोटा करेगा, उठा के लगा देगा आईफोन्स के अंदर। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाई M1 की जो चिप है ये कोर i9 से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे रही थी, खुद सोचे कोर i9 लेवल की परफॉर्मेंस जब एक आईपैड के अंदर या एक आईफोन के अंदर आएगी तो वो क्या करेंगे, एक मोबाइल फोन के अंदर इंटेल के कोर i9 प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इज जस्ट इनसेन। और आप अगर 2 साल पहले मुझे बताते कि ऐसा कुछ पॉसिबल है तो मैं कहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो वीवो के गेमिंग ब्रांड आईकू की तरफ से आ रही है, जहां पर एक नया फोन iQOO Z3 के नाम से जल्दी मार्केट में आने वाला है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का स्क्रीन होगा, 55 वॉट की चार्जिंग होगी, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768 जो चिपसेट है वो यूज किया जाएगा, 8GB रैम लगाई जाएगी, और उसके अलावा क्योंकि ये गेमिंग चिपसेट के साथ आ रहा है और गेमिंग फोन है तो यहाँ पर जो गेमिंग के रिलेटेड सारी चीजें हैं जो वीवो अपनी iQOO की सीरीज में ऑलरेडी प्रोवाइड करता है वो सब कुछ भी मौजूद होगा, जिनमें अगर आप नेमली फीचर्स की बात करें तो ईगल आई मोड है, मल्टी टर्बो मोड है, ये सारे गेमिंग मोड हैं जो हर कंपनी इसको डिफरेंट नाम देती है। इस खबर को डालने के पीछे रीजन ये है कि ये खबर भी आ रही है कि iQOO जल्दी पाकिस्तान के अंदर भी लेकर आ सकता है वीवो, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अब जो गेमिंग फोन्स हैं उनका ट्रेंड आ रहा है, एंड आई बिलीव कि अब बहुत अच्छा टाइम है कंपनीज के लिए कि वो इस ट्रेंड को इस टाइम पे, वैसे बाकी कंपनीज भी जो सीरीज बाहर करती थी अब आ ही रही हैं पाकिस्तान, सैमसंग लाया अपनी एम सीरीज लाया, अब जो है चीजें बेहतर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि टिकटॉक के ऊपर पीटीए ने तकरीबन 5 लाख से ज्यादा जो वीडियोस हैं वो ब्लॉक करवाई हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो कंटेंट टिकटॉक के ऊपर लगता है उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट होता है जो कि बुरा होता है, जिसकी क्वालिटी बुरी होती है, जिसमें उल्टी हरकतें हो रही होती हैं। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5 लाख वीडियोस हैं ये पीटीए के कहने पर टिकटॉक ने उतारी भी हैं। तो जब एक कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट कर रही है, आपके कहने पर चीजें उतार रही है, तो क्या उसको बैन करना नहीं, अब तो हाँ बिल्कुल अब नहीं करना चाहिए। और आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि इंटरनेट पे आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जरूर हो जाती हैं, नो मैटर आपके पास जितनी मर्जी पावर हो, इंटरनेट पे जो चीज लग जाती है वो लग जाती है और आप कंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए कंपनीज के साथ मसले भी आते हैं ना कि वो फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी ये हटवाएंगे जो फिर दूसरा मुल्क कहेगा कि जो कंट्री वाइज हो जाएंगे। तो फिर दोनों वो तरफ से है, लेकिन अभी तक के लिए टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में बैंड है, और आई जस्ट होप के और किसी सोशल मीडिया को मसला ना आए, स्पेशली यूट्यूब को, बिकॉज लेकिन अगेन यूट्यूब का और टिकटॉक का वैसे भी काफी फर्क था। बिल्कुल,
फिर भी आई वुड से कि नहीं बैन होना चाहिए था। ओके भाई, आज की जो आखिरी खबर आई है इंटेल की तरफ से आ रही है। हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि इंटेल के हालात इस टाइम फास जा नहीं रहे। उसकी रीजन ये है कि एक तरफ एएमडी जो है वो इंटेल को बीट कर रहा है, और दूसरे पॉइंट पर एप्पल और इंटेल की भी पार्टनरशिप जो है वो एंड होने वाली है, क्योंकि एप्पल ने अपने जो चिपसेट्स हैं वो लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इंटेल की जो कंडीशन है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि इंटेल का जो ज्यादातर कस्टमर बेस है वो एआरएम पे शिफ्ट हो रहा है। मोबाइल फोन्स के अंदर जो चिपसेट्स यूज होते हैं वो एआरएम आर्किटेक्चर पे बने होते हैं, और एप्पल जो M1 की चिप्स बना रहा है वो भी एआरएम आर्किटेक्चर पे हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए इंटेल 20 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक चिप प्लांट में लगाने वाला है, जो कि यूएसए के अंदर ही चिप्स बनाएगा, और ये एआरएम और इंटेल के अपने आर्किटेक्चर्स दोनों को यूज करते हुए चिप्स बना सकेगा। तो इंटेल अब इस तरफ भी जाने लगा है, मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा होगी ना, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी वो मसला आया था। बेसिकली इंटेल ने ये किया है कि एप्पल पहले इंटेल से प्रोसेसर खरीदता था, अब एप्पल ने इंटेल से प्रोसेसर खरीदने बंद कर दिया। इंटेल को समझ आ गई है कि वो नहीं खरीदेंगे, तो अब इंटेल जाके एप्पल को कह रहा है ठीक है आपने हमसे नहीं खरीदने, कोई मसला नहीं है, वो हमारी फैक्ट्री लगी हुई है आपके बना देते हैं हम। ओके, तो वो वाला सीन है ना, हमारी फैक्ट्री है अब आप हमसे बनवा लें, तो वो वाला सीन है। देखते हैं कि इंटेल कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रह पाता है, लेकिन इनके पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। इंटेल एज अ कंपनी कैश रिच बहुत ज़्यादा है, तो पैसा ये फेंक सकते हैं और नई नई चीज़ों को ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कैश बहुत ज़्यादा है। आई होप ये एपिसोड जो आपको पसंद आया होगा। अगेन चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ बिलाल एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।